Good morning, friends. Today we will start with the sixth chapter of business studies, that is staffing. Management ki definition mein aapne padha ki management is a process. Process here means primary functions or activities like planning, organizing, staffing, directing and controlling. Organizational objective ke hisab se sabse pehle aapne plan draft kiya. फिर इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन किया. इस स्ट्रक्चर में डिफरेंट जॉब पोजीशंस फाइंड आउट की. फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज किए. यह स्ट्रक्चर अभी केवल एक एम्प्टी शेल है. इसमें आपको टैलेंटेड और डेडिकेटेड एम्प्लॉयज की जरूरत होगी बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज द मेन एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स सक्सेस. So staffing is required now. So staffing is primarily concerned with finding the right person for the right position at the right time. Now we see the definition of staffing. Staffing is that part of the process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. इसका मतलब स्टाफिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को हायर करती है, फिर उनकी सर्विसेज यूटिलाइज करती है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में एक लॉन्ग पीरियड के लिए मेंटेन करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों ही सेटिस्फाइड हो. Staffing is needed in both new and existing organization. New organization में planning और organizing function करने के बाद management को पता चलता है कि कितनी job positions है और हमें कितने employees hire करने पड़ेंगे. उसके हिसाब से staffing process start की जाती है. लेकिन existing organization में new jobs create होती रहती है. ओल्ड एम्प्लॉयज रिटायर हो सकते हैं, उनका ट्रांसफर प्रमोशन हो सकता है या वे जॉब छोड़कर जा सकते हैं. सो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग कंटिन्यूसली की जाती है. स्टाफिंग में एम्प्लॉयज से रिलेटेड हर एक्टिविटी होती है जैसे मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कॉम्पेंसेशन. Now we see features of staffing. The first feature is integral part of management process. Management process के different functions में से staffing एक function है, एक part है, एक activity है जो सभी organizations के लिए बहुत important है क्योंकि कोई भी organization बिना employees के work नहीं कर सकती. The second is pervasive function. हर लेवल के मैनेजर, चाहे टॉप लेवल मैनेजर्स हो, मिडल लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजर, वे स्टाफिंग फंक्शन अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए करते हैं. सो स्टाफिंग इज परवेसिव. द थर्ड इज कंटिन्यूस प्रोसेस. स्टाफिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए या फिर वे जॉब छोड़कर चले जाए, किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन या ट्रांसफर हो या कोई एम्प्लॉय केपेबल नहीं है तो उसकी पोस्ट पर हमें न्यू पर्सन की जरूरत है. सो स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. द नेक्स्ट इज डील्स विद ह्यूमन रिसोर्स. स्टाफिंग में हम ह्यूमन रिसोर्स से डील करते हैं. इसका मतलब हमारे पास जितने भी फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन सभी को यूज करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है और यह एक्टिविटी स्टाफिंग में की जाती है. द नेक्स्ट इज वाइडर स्कोप. स्टाफिंग का बहुत वाइड स्कोप है. इसमें सिर्फ एम्प्लॉय को हायर नहीं किया जाता बल्कि एम्प्लॉय से रिलेटेड हर एक्टिविटी की जाती है जैसे मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, कॉम्पेंसेशन एक्सेट्रा. द लास्ट इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव. स्टाफिंग फंक्शन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय और सोसाइटी सभी का ऑब्जेक्टिव, सभी की नीड सेटिस्फाइड होना चाहिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड फीचर्स ऑफ स्टाफिंग. ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मेन फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. An organization can succeed only if it is capable to hire competent person.
So let's see importance of staffing. The first is filling jobs with competent personnel. प्रॉपर साइंटिफिक स्टाफिंग प्रोसेस यूज करके ही मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट पर्सन को वैकेंट पोस्ट पर हायर करता है. यदि यह सिलेक्शन करेक्ट नहीं हुआ तो मटेरियल टाइम एनर्जी एफर्ट्स वेस्ट होंगे और ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. परफॉर्मेंस रिड्यूस होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी पुअर होगी. द सेकेंड इज बेटर परफॉर्मेंस. ऑर्गेनाइजेशन को अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रॉपर स्टाफिंग प्रोसेस करनी होगी. इसका मतलब राइट पर्सन राइट पोस्ट पर राइट टाइम पर अपॉइंट करना होगा. द थर्ड इम्पोर्टेंस इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ. ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा ही की जाती है, इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए प्रॉपर स्टाफिंग प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्टाफिंग प्रोसेस के जरिए हम सक्सेशन प्लानिंग भी कर सकते हैं. सक्सेशन प्लानिंग मीन्स टू डेवलप एम्प्लॉयज टू एक्वायर हायर पोजीशंस इन फ्यूचर. द नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. प्रॉपर स्टाफिंग प्रोसेस करके हम हर वर्क हर पोजीशन के लिए राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं. ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों में ही ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा. द लास्ट इज इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल. स्टाफिंग प्रोसेस में बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है जिसमें एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है. इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर प्रमोशन कॉम्पेंसेशन भी डिसाइड होते हैं, जिससे एम्प्लॉयज में जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है और वे मोटिवेट भी होते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.